नमस्कार, अर्ग प्रकाश में आपका स्वागत है। नगर निगम के चुनाव 24 दिसंबर को होने जा रहे हैं और सभी पार्टियां जो है चुनाव में अपना पूरा जोर लगा रही हैं। बड़े जोर शोर से प्रचार चल रहा है, घर घर जाके जो है प्रत्याशी प्रचार में लगे हुए हैं और स्टार प्रचारक या पार्टी के दूसरे राज्यों से नेता जो है यहाँ पहुंच रहे हैं। भाजपा के अध्यक्ष संजय टंडन जी और हिमाचल के जो सह प्रभारी भी हैं वो हमारे साथ है, पूर्व अध्यक्ष माफ कीजिए वो हमारे साथ है। आइए उनसे जानते हैं कि कौन कौन से मुद्दे जो है इन चुनावों में भारी रहने की उम्मीद है। चंडीगढ़ के चुनाव 24 तारीख को होने जा रहे हैं। 24 तारीख को हम अपना अगली कारपोरेशन के लिए अपने पार्षदों का चुनाव करेंगे और पिछले 6 वर्षों से चंडीगढ़ के अंदर हमारे 6 मेयर रहे हैं और 6 वर्षों में बहुत ही उम्दा काम करके चंडीगढ़ को आगे बढ़ाने का काम किया है। हम चंडीगढ़ का चुनाव विकास के नाम पर हम चंडीगढ़ का चुनाव लड़ रहे हैं और आने वाले समय में जो चंडीगढ़ की डेवलपमेंट और चंडीगढ़ का जो नए कार्य जो भी होने हैं वो सारे कार्य, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है तो सीधा जो है गृह मंत्रालय के माध्यम से होते हैं। मेरी सब चंडीगढ़ वासियों से अपील है कि चंडीगढ़ की तरक्की के लिए, विकास के लिए, नए आयाम पैदा करने के लिए, नए यहां पे प्रोजेक्ट्स लाने के लिए आप एक बार फिर से चंडीगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सहयोग दें और हमारे पार्षदों को यहां से जिताएं। तो आपको क्या लगता है सर, जिस तरह आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आरोप लगा रही है कि पिछले भाजपा के शासनकाल में वो काम नहीं हो पाए जो कि काम करने चाहिए थे, जैसे लाल डोरे का ही एक मसला रहा है, आपने अभी बताया कि हाँ केंद्र सरकार की तरफ से इस प्रोजेक्ट को हम अहम तरीके से ले रहे हैं और लोगों की समस्या दूर रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? 15 साल तो पवन बंसल यहाँ पे कंटिन्यूज यहाँ पे मेंबर पार्लियामेंट रहे, 10 साल वो केंद्र की सरकार उनकी रही, मंत्री रहे। ये लाल डोरा की समस्या हमारे पे डाल रहे हैं, पहले तो उसका जवाब उनको खुद देना चाहिए भी उन्होंने क्यों नहीं करी। रेल कांड, रेल घोटाला, यहाँ पे बूथ घोटाला, यहाँ पे शेड घोटाला, कितने घोटाले उनके साथ जुड़े और कितने उनके साथ जुड़े हुए व्यक्ति जो हैं वो जेल में भी गए, इसका जवाब क्यों नहीं देते। लाल डोरे की समस्या शहर की एक गंभीर समस्या बनी क्योंकि शहर के अंदर जो चीप हाउसिंग अवेलेबल नहीं है, जगह की जो प्राइस है वो बढ़ती जा रही है, तो लोगों के पास जो शहर की तरफ आते हैं उनके पास ऑप्शन एक ही बचती है कि जो सस्ती जगह है वो लाल डोरा के बाहर उनको छोटी जगह मिल जाती है, वो अपना 10 मरले का घर बना लेते हैं। हमने चुनाव के अपने मैनिफेस्टो के अंदर हमने केंद्र सरकार से भी बात करी है और ये लाल डोरा की समस्या का हम अभी तक तो हम उसका यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे उसका हल ढूंढते थे। इस बार हमने उसका जो लीगल साइड के ऊपर उसका हल ढूंढने के लिए हमने उसके अंदर अपना मैनिफेस्टो में जिक्र किया है और गांव की ये समस्याओं का हम पूर्ण तौर के ऊपर परमानेंटली इसका हल देंगे। सर एक बात जो और सामने आती है वो ये आती है कि नगर निगम कई सारे एजेंडे पास कर देती है, जैसे पानी और सीवरेज के मसले पे जो है कम करने का तय हुआ था लेकिन प्रशासन उसे आगे रिजेक्ट कर देता है, ये कहाँ पे दिक्कतें आती हैं इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव? देखिए चंडीगढ़ जो है वो यहाँ पे एक ऑफिसर का एक अपना व्यू प्वाइंट होता है और जो ये एक्ट बना, जो इस एक्ट के अंदर है कि जो आपका जो वहां पे एजेंडा पास होता है उस एजेंडे की वहां से क्लियरेंस ली जाती है, तो जैसे ही कोई एजेंडा कोई चीज बढ़ाने का पास होता है तो ऑफिसर फटाफट उसको लागू कर देते हैं, जो चीज घटाने का होता है तो उसके अंदर थोड़ी सी मीन मेक करते हैं। हमने ये विषय अब केंद्र सरकार को भी हमने ये टैग कर दिया है, आपने देखा होगा कि कल जो गृह राज्य मंत्री चंडीगढ़ में आए थे, जो चंडीगढ़ एज यूनियन टेरिटरी जिनके अंतर्गत डायरेक्टली आता है, मेरी उनके साथ मीटिंग हुई और उन्होंने ये सारे विषयों के ऊपर
उन्होंने ये कहा कि मैं हर तीन महीने में चंडीगढ़ आऊंगा और ताकि ये जो विषय पेंडिंग पड़े हुए हैं इनको इनका जो है वो तालमेल करके इनको साथ साथ तीन तीन महीने में प्रोग्रेस रिपोर्ट लेके इसको सॉल्व करेंगे। ऐसा हमने एक नया सिस्टम खड़ा करने की कोशिश करी है। चार रुपए की जगह आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं हम 20,000 किलो लीटर फ्री में देंगे। दिल्ली में 20,000 लीटर के बाद वाले जो अगले 10,000 लीटर हैं उसका रेट है 24 रुपए, उससे ऊपर वाले का रेट है शायद 35 रुपये। चंडीगढ़ में 20,000 लीटर के बाद अगला रेट जो है वो 3 रुपये है। अब आप देखिए सपोजिंग आपका 21,000 लीटर आप यूज करते हो तो आज की डेट में आपका खर्चा होगा पहले 4 रुपये, उसके बाद वाले का जो 21,000 जो 1,000 वाले का है उसका आपका लगेगा रेट 4 रुपये, जबकि जो ये बता रहे हैं तो 20,000 तक जीरो हो गया, 1,000 पे 24 रुपये। अब आप मेरे को बताओ पहले वाले सिस्टम में 21,000 पे 8 रुपये आप दे रहे हो और इस ये जो प्रपोज कर रहे हैं उसमें आप 24 रुपये दे रहे हो, और जब इसका मल्टीप्लायर आएगा ना जब वो किलो लीटर का मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये 24 रुपये वाला मल्टीप्लायर तेज भागेगा कि 8 रुपये वाला मल्टीप्लायर तेज भागेगा। तो ये जनता को हमने ये समझाया कि ये आप देखो कि उन्होंने पहले दिन ये लिख दिया, जिस दिन हमने इस बार का जवाब दिया उसके बाद इनके पास जवाब नहीं था। इनके पास कहां जवाब था कि भाई आप इस चीज का जवाब दो कि भाई ये चीज ठीक है, अच्छा 20,000 के बाद वाला क्या करोगे? इनको बोलो बताओ ना जी 20,000 के बाद क्या करोगे? चंडीगढ़ के अंदर पानी का रेट पूरे देश के अंदर सबसे कम है। आप मोहाली चले जाओ, आप पंचकूला चले जाओ, आप रेट चेक करके देखो, चंडीगढ़ सबसे लोएस्ट है। जो बेंगलोर मुंबई दिल्ली वहां के रेट हमारे से दुगने तिगने, कई जगह पे 4 गुना है, कई जगह पे 5 गुना है। दुगने तिगने की बात नहीं कर रहा। तो मेरे को लगता है कि चंडीगढ़ को दिल्ली मॉडल की आवश्यकता नहीं है, दिल्ली को चंडीगढ़ मॉडल की आवश्यकता है। और यहां से ये हमारे साथ थे भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और हिमाचल के सह प्रभारी संजय टंडन जी, उनका कहना है कि ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।